अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। इस टाइम जी मैं अपने कबूतरों के बिल्कुल मिड में मौजूद हूं और आज मैं आपको जो है ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊंगा जो कि इस सीजन के अंदर हो रही है और जो अभी तक चल रही है। मैं बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर जो है बच्चे वगैरह नहीं निकलवाता और मैं ब्रीडिंग बिल्कुल स्टॉप कर देता हूँ जब फुल सर्दी आती है, तो उससे पहले पहले मैं ब्रीडिंग करवाता हूँ कबूतरों की और वो आपको मैं सारी शो करवाऊंगा आज कि क्या सूरत हाल चल रही है। तो आए शुरू करते हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो क्रेटों से बाहर आ चुके हैं और आके नीचे जो है इस टाइम दाना वगैरह खुद से खाने लग गए हैं। तो ये पहला क्रेट जी ऊपर से शुरू करते हैं, इसके अंदर देख लें जी कुछ भी नहीं है और ये क्रेट जो है इसके अंदर दो अंडे पड़े हुए हैं, अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आ जाएंगे। और अगर इससे नेक्स्ट में जाते हैं तो यहाँ पे जी यहाँ की क्या सूरत हाल है जी, यहाँ पे जी दो बच्चे निकले हुए हैं, इस टाइम जो है इनके दो बच्चे निकले हुए हैं। और इसी तरह से इस क्रेट में अगर हम देखें तो यहाँ से बच्चे बाहर आ चुके हैं, इसके अंदर एक बच्चा है और ये नेक्स्ट क्रेट है, यहाँ पे देख लें ये खाली पड़ा हुआ है। और इसी तरह से जो है ये क्रेट है, ये भी बैठी हुई है अंडों पर और ये भी अंडों पर है। ये देखें जी ये दो बच्चे निकले हुए हैं, बिल्कुल छोटे से दो बच्चे जो है इस टाइम ये निकले हुए। तो इससे आगे देखते हैं तो ये मादी अंडों पर बैठी हुई है और इस कबूतर ने जो है माशाल्लाह से दो बच्चे जो है वो निकाले हुए हैं। ठीक है, तो इधर से आगे चलते हैं तो इसने भी निकाले हुए हैं बच्चे, ये एक बच्चा है जी। इधर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जो है कोई दो बच्चे निकले हुए हैं, ये अंडों पे बैठी हुई है। इसी तरह से ये है और ये पेयर देख लें जी, इसने भी जो है एक और दो बच्चे निकाले हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं ये नीचे आ जाता हूँ तो नीचे भी आपको दिखा देते हैं क्या प्रोग्रेस है, क्या सूरत हाल है। ये देख लें जी नीचे, ये अभी मेरा ख्याल है अंडों इसने अंडे नहीं दिए हुए, अभी खाली है। और ये पेयर है एक, ये पेयर भी देख लेते हैं इसकी क्या कंडीशन है, इसने भी बच्चे निकाले हुए हैं। और इधर से एक पेयर ये है, इसके नीचे भी वो देख लें जी बच्चे मौजूद हैं। इधर से ये वाला क्रेट जो है खाली है, इसके अंदर एक बच्चा है, इस क्रेट के अंदर दो बच्चे हैं, ये क्रेट के अंदर भी दो बच्चे हैं और ये मादी अंडों पर बैठी हुई। ये इस टाइम जी एक तरफ की जो है ब्रीडिंग प्रोग्रेस इसको कह लें आप, वो है ब्रीडिंग सूरत हाल है। उसके अलावा मैं आपको दिखा दूं कि बच्चे नीचे भी बहुत सारे निकले हुए हैं, तीन बच्चे आपको जो है ना ये देखें ये नजर आ रहे हैं तीन बच्चे। इसके अलावा वो देखें आपको अगर मैं दिखा सकूं तो नीचे देख लें, नीचे भी जो है वो बच्चे निकले हुए हैं, इधर को तो नहीं उधर को, और इस तरफ को भी नीचे जो है ना ये देखें जी बच्चे निकाले हुए हैं। ठीक है, ये भी बच्चे निकले हुए हैं, तो मैंने कहा आपको मैं ये भी दिखा दूं साथ साथ। और इसके अलावा जो बच्चे एक बच्चा ये देखें जी ये बैठा हुआ है और इसी तरह से उसी बच्चे का जो ऊपर बैठा हुआ भाई सेकंड वाला वो ये बैठा हुआ है और बाकी बच्चे ये देखें जी बहुत सारे हैं, ये बैठे हुए हैं ये देख लें ये बच्चे हैं और ये सारे नीचे, बाकी ये देख लें जी ये बच्चे भी ये निकले हुए हैं। कोई 34 बच्चे जो हैं इस टाइम क्रेटों के बाहर हैं, 34 बच्चे जो है ना वो इस टाइम क्रेटों के बाहर हैं। और सामने वाली साइड पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे क्या सूरत हाल है यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये देख रहे हैं दो बच्चे पहले क्रेट के अंदर हैं, इसके नीचे एक बच्चा नजर आ रहा है मेरे ख्याल, दो बच्चे हैं, दूसरा पिछली तरफ को है, देखे ना दो बच्चे इसके नीचे भी, नहीं एक बच्चा, एक और इसका क्लियर नहीं हो रहे क्या सूरत है, दो बच्चे हैं जी वो देख लें, इसके नीचे भी दो बच्चे हैं, ये मादी ने अभी बच्चे निकाले हैं, इसके नीचे दो बच्चे हैं, इसके नीचे भी, ये जो है अभी पेयर बिल्कुल फारग है, ये पेयर भी अभी फारग है, ये देखें जी माशाल्लाह चपड़े बच्चे हैं, दोनों ही चपड़े हैं, क्या खूबसूरत बच्चे निकले हैं जी, दो बच्चे हैं, ये अभी अंडों पर बैठी है, ये भी खाली है, इसने एक बच्चा पाल रही है, ये कबूतर दो बच्चे पाल रहा है, इसके नीचे अंडे में खराब हो चुके हैं।
यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर भी जो है मेरा ख्याल है कुछ नहीं है। ये अंडों पर बैठी हुई है, ये भी अंडों पर बैठी हुई है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, और यहाँ पे जो है बच्चे निकले हुए माशाल्लाह। एक बच्चा देखा, ये छुप के बैठा हुआ। इसके अलावा नीचे भी कुछ होते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये देखें जी, ये बच्चा है एक इधर, और ये देखें जी, इसने भी आजकल में बच्चे निकाले हैं। ये देख लें, ये दो बच्चे जो है ना, ये देखें, वो दो ऊपर पाँव रख रही है, ये बच्चे निकले हुए, दो बच्चे हैं ये। ये देखें जी, ये हैं बच्चे दो, ये चीने कबूतर हैं, उनका पेयर है। इन्होंने जो ये देखें, क्या खूबसूरत बच्चे निकाले हैं, ये मेरे ख्याल आज ही निकले हैं। ये दो बच्चे देखें जी, ये मैं और क्लियर कर देता हूँ जरा थोड़ा सा, ताकि आप दोस्तों को बिल्कुल जो है क्लियर। ये देखें, दो बच्चे ये निकले हैं। तो बड़ी बेहतरीन किस्म की ब्रीडिंग चल रही है। ये देखें जी, बाकी ये सारे मेरे ब्रीडर कबूतर हैं, काफ़ी सारे। 34 बच्चे जो हैं वो इस टाइम क्रेटों के बाहर हैं, जो कि बिल्कुल रेडी हैं। मैं उनको, उनकी भी ट्रेनिंग शुरू करूंगा, उनको भी बाहर निकाल दूंगा। और बाकी जो है क्रेटों के अंदर भी काफ़ी सारे बच्चे हैं। एक बच्चा ये देखें जी, ये भी बैठा हुआ। अभी जितने ये काफ़ी सारे जो क्रेट आपको खाली नज़र आने में से बिल्कुल रिसेंटली बच्चे बाहर आए हैं, और अब मैं इनकी ब्रीडिंग रोक दूंगा। जो बच्चे निकाल ली, इन्होंने निकाल लिए, इसके बाद मैं ब्रीड नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं पूरा साल ब्रीड करवाता हूँ। तो पूरा साल करवाने के बाद इनको थोड़ा सा जो है ना रेस्ट भी देना चाहिए। मुसलसल ब्रीडिंग जो है वो भी नहीं अच्छी होती, थोड़ा सा कबूतरों को जो है ना रेस्ट देना चाहिए। ये सारे मेरे कबूतर हैं, देख लें, सारे स्टेम क्रेटों से बाहर आए हुए हैं। अगर मैं आपको सारे बच्चे सेपरेट करके दिखाऊं, पर वो मुश्किल हो जाएगा। ये देख लें, ये बच्चे हैं। मैं किसी दिन आपको इनका बच्चों का सबका शौक भी करवाऊंगा। ये देखें, ये मेरी डब वाली मादी के साथ एक बच्चा इधर बैठा हुआ है। इतना बच्चों के तो अंबार लगा हुआ है इस टाइम। ये देख लें जी, ये मेरा पास पेयर है, इसका ये बच्चा है, अंबर सरा पेयर है उसका, ये बच्चा। ये देखें, इसके पीछे दो जीरे बच्चे इकट्ठे ही हैं। फिर ये देखें, मैं कहा आपको जरा मैं थोड़ा करीब से भी दिखाता हूँ, ये सारे बच्चों का व्यू है। ये देखें जी, ये बच्चे हैं, गोल्डन बच्चा, फिर ये चीना बच्चा, ये जो है फिरोजपुरियों का बच्चा, इसको मैंने ब्रीडिंग के लिए रोक लेना है। वो देखें आगे जाके, वो कबूतरों का रश देख रहे हैं, बच्चे ही बच्चे। ये सारा बच्चों की जैसे बहुत ज़्यादा रश हो गया बच्चे, क्योंकि बहुत ज़्यादा निकले हैं हमें। तो एक ये भी फिरोजपुरियों का बच्चा है, ये भी मैंने ब्रीडिंग के लिए रोक लेना है। ये बच्चा देखें, ये भी मैंने उड़ाना नहीं है, इसको ब्रीड के लिए रोक लेना, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया ऐसा है। ये एक लाखों का बच्चा, हर किस्म के बच्चे निकले हुए, मतलब के हर लाखे जो भी कह लें आप ना। ये देखें, गोल्डनों का बच्चा, ये माशाल्लाह से ये बच्चा कमजोर पला हुआ एक ये, और ये देख लें, ये वो बिल्कुल सामने आ गया अपनी तस्वीर बनाने के लिए खुद से। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें चीनों का बच्चा, ये भी ऊपर भी बैठा हुआ है एक। इसके अलावा ये मेरी गोल्डन मादी है, किसी भी मैं पकड़ कर भी इसका शो करूंगा। इसके साथ ये देखें जी, ये कमगरों का बच्चा है, कमगर, दोनों ही कमगरों के बच्चे हैं। ये देखें क्या खूबसूरत खड़ा हुआ है। इंशाल्लाह ये जो है अब काफ़ी सारे निकल आए हैं, तो अब इनको भी शुरू करते हैं उड़ाना। इनको भी मैं अब ऐसा ऐसा जो है बाहर निकालूंगा, और बाहर निकाल के उड़ाना शुरू करूँगा। ये देखें जी, मेरा बड़ा कमगर कबूतर है ये, इसके भी बच्चे निकले हुए हैं साथ में। ये रामपुरियों में से मादी निकली हुई है, ये अभी साफ हो रही है। ये फिर पीछे इसके ये गोल्डन बच्चा। तो इस तरह जो है ना ब्रीडिंग तो बहुत अच्छी चल रही है। और एक और बात मैं जो आपको बता दूं, कि ब्रीडर कबूतरों के जो खाने हैं, कई दोस्त कहते हैं ये बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो इनको जो है साफ़ भी किया गया। मैं इनको बिल्कुल भी साफ़ नहीं करता। उसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि पहले बच्चे निकलते हैं, साथ ही फिर ये अगले अंडे दे देते हैं। तो जिस तरह ये फिर अगले अंडे देते हैं, तो अगर मैं उनको साफ़ कर दूंगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, बच्चे जो है फिर वो सही नहीं पालेंगे और अंडे ख़राब करेंगे। इसके लिए उनकी मैं सफाई नहीं करता, उनको उसी तरह से रहने देता हूँ, फिर उसके अंदर ही अगले अंडे दे देते हैं और बच्चे बहुत अच्छी तरह पल जाते हैं। और साथ में एक और बात बता दूं कि ब्रीडर कबूतरों को मैं दाना जो है सुबह शाम देता हूं, और इतना दाना देता हूं कि ये जब खा लेते हैं, बच्चों को भी खिला लेते हैं, खुद भी खा, फिर भी दाना पड़ा हुआ होता है। वाफर मकदार में इनको दाना डालता हूँ। इसके अलावा ये देख लें जी बच्चे, ये सफ़ेद बच्चा भी देखें माशाल्लाह से कितना क्यूट है। और ये तीन बच्चे, ये भी, ये ऐसा ऐसा निकल निकल के आ रहे हैं बच्चे बाहर। ये कोनों कुदरों में जो है ना, ये सारे घूम जाते हैं, जब बंदा आता है तो ये डरती हैं और कोनों कुदरों में चले जाते हैं। तो ऐसा ऐसा ये देखें, ये बाहर आ रहे हैं। ये बस और कोई दो हफ्ते की बात है, दो हफ्ते बाद जो इंशाल्लाह से
ये सारे बच्चे रेडी हो जाएंगे और फिर इनको जो है उड़ाएंगे और उनकी प्रवास का मजा वगैरह लेंगे। तो ये कबूतर देख लें जी, मेरा ये सबसे सयाना कबूतर है मेरे केज का, जिसको कहते हैं ना किंग है। इसका बच्चा आप जहां मर्जी छोड़ लें, सिर्फ उसको एक दिन छत पे रखें, उसके बाद उसको उड़ा दें, वो वापस घर आएगा। ऐसा सयाना है, इसका बच्चा जाया नहीं होता। क्या कमाल इसमें अल्लाह ने अक्ल दी है। और ये जो कबूतर देख रही हैं, इसका बच्चा पिछले साल जो है मेरे पास बैसाख के अंदर उड़ा और 3 बजे तक उड़ा, बहुत अच्छा उड़ा। इसी तरह ये एक सफेद कबूतर है, ये भी देख लें, ये भी जोड़ों के लिए रोका हुआ है। अभी इसको जोड़ों में डाला नहीं है, इंशाल्लाह डालेंगे। तो अब मैं ज़्यादा चाहूँगा आपसे, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने ये बताना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लें। वो देखिए नहीं, जाल पे एक कबूतर भी आकर बैठा हुआ है। ये सारे बच्चे जो है मैंने उड़ाने के लिए छोड़े हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू वेरी मच।